बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एट योर होम्स। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मिस महवी शब्बी फ्रॉम क्लास प्रेप टू मोहम्मद अली जौहर एकेडमी प्रेप सेक्शन। आई एम हेयर विद द फर्स्ट लेसन ऑफ वीक 9 एंड माई टॉपिक ऑफ वीक 9 इज अबाउट सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की क्लास में सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी कि सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, लेस करना, घटाना या कम करना। और सब्ट्रैक्शन का साइन किसी भी नंबर्स या ऑब्जेक्ट को माइनस करने, लेस करने या घटाने के लिए इस्तेमाल होता है। So let's start with the definition of subtraction. What is subtraction? Subtraction kya hai? Subtraction is the operation that we use when we are taking some things away. Subtraction us kaam ko kehte hain jisme hum total tadad se kuch tadad ko kam kar dete hain. Jaise ki hum bade numbers mein se chote number ko kam karke likhte hain. For example, Rosie gave 7 chilies to her parrot. The parrot ate 1 chili. How many chilies are left? Rosie ने अपने तोते को 7 हरी मिर्चें दी, जिसमें से तोते ने एक हरी मिर्च खा ली। अब बताइए कि कितनी हरी मिर्च बाकी बची? जब हम 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास कितनी हरी मिर्चें बचेंगी? 6 हरी मिर्चें बचेंगी। फॉर एग्जाम्पल, 7-1 इज इक्वल टू 6। नाउ हेयर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई जा रही है जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल्स सॉल्व हुई भी नज़र आ रही हैं, मगर फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। पहली एग्जाम्पल है 7-3 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जहां 7 लिखा है वहां हम 7 बॉल्स बनाएंगे। इसके बाद हमें 7 के नीचे 3 लिखा नज़र आ रहा है। अब हम इन 7 बॉल्स में से 3 बॉल्स को माइनस यानी क्रॉस कर देंगे। अब जितनी बाकी बॉल्स बची हैं इनको हम काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 4 बॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5-2 इज इक्वल टू 3। इसको भी सॉल्व करने के लिए जहाँ 5 लिखा है वहाँ हम 5 बॉल्स बनाएंगे और इस 5 बॉल्स में से हम 2 बॉल्स को माइनस कर देंगे। अब जितनी बॉल्स बाकी बची हैं इनको हम काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 3। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इन तमाम एग्जाम्पल्स को सब्ट्रैक्शन की मदद से कंप्लीट करेंगे। Now here we have worksheet samples for you related with subtraction. Students, आपको स्क्रीन पर एक वर्कशीट दिखाई जा रही है जिसमें लेफ्ट साइड वाली वर्कशीट में कुछ पिक्चर्स बनी हैं जो कि आपने सब्ट्रैक्शन की मदद से सॉल्व करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले 5 सर्कल्स बने हैं। आपने इन 5 सर्कल्स में से 4 सर्कल्स को क्रॉस करना है और बाकी के बचे सर्कल को काउंट करना है तो आंसर आएगा 1 सर्कल, यानी 5-4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जब हम 7 आइसक्रीम्स में से 6 आइसक्रीम को क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 1 आइसक्रीम, यानी 7-6 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से राइट साइड वाली वर्कशीट में आपको कुछ नंबर्स लिखे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले लिखा है 9-1 इज इक्वल टू डैश। आपने क्या करना है, आपने 9s के सामने 9 बॉल्स बनानी है और इन 9s बॉल्स में से 1 बॉल को क्रॉस करना है और बाकी की बची हुई बॉल्स को काउंट करके लिखना है तो आंसर आएगा 8 बॉल्स। तो इसी मेथड से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। नाउ हेयर आई वॉन्ट टू टेल अबाउट योर होमवर्क एंड योर होमवर्क इज़ Do practice of subtraction in any math notebook and do the given activities. I hope students you enjoyed your lecture a lot. We are also giving you a video link related with this topic, so don't forget to watch it.
So we will meet in next class. Till then, take care. Allah Hafiz.